तो फिर पिछली बार तुम लोगों ने देखा होगा कि हमें बहुत सारे ओपी ओपी लूट मिली थी उस गांव के चेस्ट से, एंड वो रियली ओपी थी। मेरे पास बहुत सारी आइटम हो चुके हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास गोल्ड भी है, यहाँ पर गोल्डन एप्पल भी है, वो भी है, और डायमंड 65 डायमंड है। अब यार ऐसी ओपी लूट, देखो अगर ऐसी ओपी लूट हो तो कोई भी चुरा सकता है, इसलिए मैं उस गांव से भागकर यहाँ आ गया। एंड यहाँ आकर मैंने सोचा कि क्यों ना एक सीक्रेट प्लेस बनाया जाए जिसमें मैं ये सारी ओपी लूट को छुपा पाऊँ। अब मैं सोच रहा हूँ तो क्या कहाँ पर बनाऊँ तो किसी को पता ना चले। एंड मुझे पीछे देखो वो दिख गया, मैंने सोचा क्यों ना हम लोग एक मशरूम हाउस बनाते, एंड उसमें कोई भी लिटरली नहीं कोई सोचेगा कि इसमें भी किसी का घर होगा या किसी का सीक्रेट प्लेस होगा। अबे निकल ना यहाँ से, इंट्रो देता हूँ तभी आ जाइए क्या। हाँ तो क्यों ना आज ही हम उस बढ़िया से सीक्रेट प्लेस को बनाने की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। अब मुझे इतना पता है कि किससे बनेगा वो, बट एक दिक्कत है कि उसको तोड़ने के बाद वो मिल जाएगा, मतलब मुझे यहाँ पर नहीं बनाना। देखो ये ब्लॉक शायद से मुझे नहीं मिलता, ये नहीं मिल रहा, एंड मुझे इसके कलेक्ट करने के लिए मुझे कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा तो ही मैं उसे कलेक्ट कर पाऊंगा। ओके गाइस, मेरे पास 64 मशरूम आ चुके हैं। कोई बोलेगा नहीं क्रिएटिव मोड में चलिया, देखो ना यार इतना बंदा मेहनत कर रहा है। ओके तो मुझे ना ये प्लेस बहुत ही ज्यादा ओपन लग रहा है, एंड यहाँ पर सही रहेगा बनाने में। पहले तो यार पूरी सबको साफ एकदम क्लियर करना पड़ेगा ताकि मेरा हाउस तगड़ा लगे, मतलब तगड़ा नहीं लग रहा है, सीक्रेट बना रहे। अरे डायमंड कोई चोरी करके ले जाए, तुम लोगों को पता है मुझे पसंद नहीं है इतना। One hour later. Okay, guys, ये बेसमेंट तो पूरा कम्प्लीट हो गया है। देखो मुझे लुक है ना कुछ उस टाइप से लाना है। So, guys, finally, एक घंटे मेहनत करने के बाद मैंने बना लिया है मशरूम हाउस। क्या तुम लोग देखने के तैयार हो? नहीं। आ, नया इतनी मेहनत किया, देखना पड़ेगा। 3, 2, 1, let's go. मतलब ठीक ठाक ही बनाया मैंने, मतलब जितना बन पाएगा कोई बात यार, मुझे रहना का ये मेरा सीक्रेट प्लेस है, कोई भी बोलेगा नहीं ये बकवास बना है, इतनी मेहनत किए इतने दिन चले गए पता है। अब भी यहाँ से मेरा सारा सामान जो है ना उसको मैं ले लेता हूँ, जो कीमती कीमती है, जो जिसके लिए मैंने इतनी मेहनत की है, उस सब चीज़ों को पहले ही लूँगा मैं। बेड बेड तो मैं वैसे भी ले सकता हूँ, बट ये जो अरे तेरी वजह से पूरी जगह रुक रही है, बाकी सामान तो ठीक है, चेस्ट को ले लेता हूँ ना, काम आएगी थोड़ी। लेट्स गो, भागते हैं सबसे पहले ना उसमें सारी चीज़ें को ना छुपा देते हैं। देखो यहाँ से ना सीढ़ी है इसकी, यहाँ से इसे चढ़ना है, एंड अभी यहाँ पर अंधेरा है कि लाइट नहीं है ना, और टॉर्च मैं अभी लगा दूंगा, कोई बोलेगा ना लाइट नहीं है चल तो नहीं जाएगा ना, बस इतनी लाइट शायद से सही है, नीचे भी लगा देता हूँ 4। ओके डन, अब है ना मेरी चेस्ट को निकाल के यहाँ पर सारी चीज़ों को है ना रख देता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा कीमती है, इतनी मेहनत की है इसको बना, इसको मैं मुझे लगा ना है ताकि किसी को लगे ना ऐसा कि ये सीक्रेट प्लेस नहीं है। डायमंड एंड हॉर्स आर्मर ये सब कैसे मिलता है पता है तुम्हें, बाकी सब तो फालतू चीज़ है, हाँ थोड़ी बहुत महंगी भी है। लेट्स गो, अब मैं नीचे जाता हूँ एंड थोड़ी बहुत जो है ना ये फालतू का प्लैंक से ना इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ ताकि किसी को लगे ना कि यार मतलब घर नहीं है यहाँ। अरे लग क्यों नहीं रहा है यहाँ पर, इतना ही लगेगा। आप सही है, क्या लुक आ रही है ऐसे, अच्छा लगा, मतलब अच्छा ही है, तो तगड़ा लग रहा है। बाकी तो है ना मैं वैसे भी छुपा सकता था, लेकिन इसका आइडिया ना मुझे बहुत ही जल्दी आता है, मैं ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दो यार, इतनी मेहनत की है, दबा दो यार प्लीज। ओके बहुत ज़्यादा जोकिंग हो चुके हैं, तो एक कमेंट में बता देना कैसा लगा। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। मैं सारी चीज़ें अभी छुपाने वाला हूँ तो तुम लोगों को पता नहीं चलेगा कि मैंने कहाँ छुपाई है। बाय।